हर हर महादेव। गंगा महारानी की पावन तट पर बैठकर इस समय हम यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, और उसी चर्चा के संदर्भ में मैंने आपको इसी पिछले कार्यक्रम के अंदर श्रावण के अंदर क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। उसमें भी मैंने आपको कैसे पूजन करें, क्या उसका विधान है, वो सब को भी आपको जो है मैंने बताने का प्रयास किया। आज की चर्चा खासकर काल सर्प दोष पर रहेगी, काल सर्प दोष का निवारण पर रहेगा, क्योंकि काल सर्प दोष कैसे बनता है, कैसे कुंडली के अंदर होता है, ये सब चीज़ें तो पहले भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, इसका निदान कैसे होगा, आप घर में इसके लिए क्या कर सकते हैं, और आप जब तब करवाना चाहें तो कहाँ कराएं, क्या कर सकते हैं, कैसे कराएं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ कि आंशिक काल सर्पयोग, क्योंकि इसको लेकर मैं अक्सर देखता हूँ जन्म कुंडली में काल सर्पयोग होता ही नहीं है, और बहुत सारे लोग काल सर्प का पूजन भी करवा लेते हैं। कई बार हमें लोग कहते हैं कि आपने जन्म कुंडली हमारी बनवाई थी, लेकिन उसमें तो आपने काल सर्पयोग हमें नहीं बताया था, और हमारे यहाँ वहाँ से कोई आया था उन्होंने बता दिया था, वहाँ से कोई आया उन्होंने बता दिया, हमारे जानकार हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे मित्र के मित्र हैं, वो इन सब चीज़ की जानकारी रखते हैं, उन्होंने बता दिया। मैं आपको बताऊँ ये सब चीज़ें घातक हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले काल सर्पयोग जब जन्म कुंडली के अंदर होता है तो इसके कुछ लक्षण मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। तो वैसे तो मनुष्य का जीवन है, जीवन में उतार भी है, चढ़ाव भी है, अच्छाई भी है, बुराइयाँ भी हैं, कुछ समय अच्छा भी जाता है, कुछ खराब भी जाता है, ये एक बहुत नैसर्गिक व्यवस्था है, ठीक है ना। लेकिन कुछ खासकर लक्षण है जब हमें लगता हो कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, हमेशा हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। कभी तो संयोग बस हो सकता है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम में नहीं जीना, देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप भ्रम में न रहें, आप उसकी जानकारी उसकी रखें, उसकी तह तक जाएं और खोजें, वहाँ पर देखें। तो उसमें अगर आपको लगता है कि हमारे साथ में अक्सर ऐसे होता है, एन मौके पर हमारी सारी तैयारियां, हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन एन मौके पर हमारा काम बिगड़ जाता है, शत्रु पीछे से घात करते हैं, मानसिक समस्याओं से व्यक्ति हमेशा घिरा रहता है, नेगेटिविटी आसपास भटकती है, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो और उसी का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। सपने में बार बार सर्प आना, ये सब चीजें इस ओर इशारा कर सकती हैं। अब ये तो हमने देख लिया, लक्षण देख लिया, अब हमें जो ज्योतिषीय भाषा है उसके हिसाब से हम देखें तो आपका जो जन्मांक चक्र है, जन्म कुंडली है, बर्थ चार्ट के अंदर आप देखें कि आपके सभी ग्रह राहु और केतु, क्योंकि सात घरों का अंतर होता है राहु और केतु के बीच में, इन्हीं सात घरों के अंदर अगर सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो सीधा सा इसका एक सूत्र है कि वह काल सर्पयोग होगा। अब जब लोग कहते हैं कि आंशिक काल सर्पयोग, तब आप उनसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई परिभाषा आपको बताएंगे, और बताएंगे तो कोई प्रमाणिक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं सकते, पहली बात तो ये, क्योंकि उसकी परिभाषा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आंशिक कह करके किसी को भ्रम में डाल देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं माना जा सकता है। तो सीधा सा नियम है, आप खुद देखें, लक्षणों को पहले आप फाइंड आउट करें, उसके बाद आप जन्म कुंडली को देखें, सूत्र आपको मैंने बताया दिया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग है तो उपाय क्या क्या होना चाहिए। देखिए, अगर समस्याएं अगर हैं तो समाधान के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, किसी भी चीज़ के अंदर आप देख लें तो निश्चित रूप से इसके लिए भी कुछ उपाय हो सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं उसी की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे काल सर्प दोष का पूजन होता है, क्या उसके मंत्र हैं, इस पर भी हम लगातार इस एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, क्योंकि काल सर्पयोग जहाँ राहु और केतु के मध्य ग्रह आने से बनता है, यानी राहु और केतु के कारण बनता है, सभी ग्रहों को जहाँ ये ग्रसित कर लेते हैं, उनको ग्रस लेते हैं, तो इसी कारण से काल सर्प दोष बनता है। तो इसमें हमें क्या करना है, भगवान शिव की पूजा करनी है। ऐसे लोगों को नियमित भी शिव पूजन करना चाहिए। घर में आप चाहे पारद के शिवलिंग रख लें, चाहे नर्मदेश्वर रख लें, चाहे स्फटिक शिवलिंग रख लें, घर में रखें और नियमित पूजन करें। कुछ नहीं है तो आप जल तो अर्पण कर ही सकते हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, छिप्रा, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदी आपके आसपास में उसका जल लेकर, और नहीं है तो कोई बात नहीं, घर से जो आप जल, शुद्ध जल जिसका पान आप करते हैं वही जल आप अर्पण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध आपके पास है तो कच्चा दूध चढ़ाइए, नहीं तो पंचामृत चढ़ाइए, कुछ भी नहीं है तो जल आप चढ़ाइए और प्रणाम करिए, इतना भी पर्याप्त है। तो इसके लिए आपको हमेशा से
घर पर नियमित रूप से शिव पूजन करना चाहिए, पहला ये जो है उपाय के तौर पर। दूसरा कि विशेषकर जैसे अब श्रावण में का महीना है और हम लोग भी जो है श्रावण में जो नागपंचमी आ रही है उस दिन एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जिसकी सूचना आपको पहले भी दे दी गई है। अगर ऑनलाइन आप जो है कार्यक्रम अपना काल सर्पदोष शांति का कराना चाहते हो तो आपके बहुत कम शुल्क मामले रखा है, 2100 रुपये ब्राह्मण की दक्षिणा रहेगी और वो आपका काल सर्पदोष का पूजन करेंगे जो वैदिक आचार्य होंगे, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था हमने इस बार रखी है। दूसरा क्या है कि आप घर पे भी कुछ उपायों को कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो विस्तार से कैसे काल सर्पदोष का पूजन होता है। अच्छा, ये पूजन कैसे होता है उससे पहले एक प्रश्न और है जो आप लोगों के प्रश्न है उसी को मैं यहाँ पर आपको बताऊँ। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जन्म कुंडली से काल सर्पयोग खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि नहीं काल सर्पदोष खत्म हो जाएगा। भाई खत्म कैसे हो जाएगा मुझे बताओ, वो काल सर्पदोष हट कैसे जाएगा, समझ रहे हैं ना? काल सर्पदोष जो कुंडली के अंदर बना हुआ है वो हट कैसे जाएगा? उसका प्रभाव कम होगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काल सर्पदोष का जो विशेष पूजा है ना वो काफ़ी खर्चा उसमें आता है। कितना आता है वो मैं फिर कभी आपको समय अनुसार बताऊंगा, लेकिन काफ़ी आता है, ज़्यादा आता है, मैं इतना आपको बता दूँ। लेकिन उसकी पूजा कई दिन होते, कई ब्राह्मण करते हैं, उसके अंदर महामृत्युंजय का भी जप होगा, उसके अंदर सर्प गायत्री का भी जप होगा, उनकी एक संख्या भी होगी, उसके अंदर अन्य ग्रहों का जप भी होगा, रुद्राभिषेक भी होगा, नमक चमक विधि के द्वारा पाठ होगा। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो समझ सकते हैं जब लंबा होगा, कई दिन लगेंगे, कई विस्तृत पूजाएं होंगे, तो खर्चा कई गुना बढ़ चुका होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो त्र्यंबकेश्वर गए, हमने वहाँ पे करा दिया, हम उज्जैन में करा रहे हैं। भाई कहीं भी आप कराएं उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे आपने कराया इससे मतलब है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आप दक्षिण भारत के आसपास रहते हो तो आप त्र्यंबकेश्वर निश्चित रूप से जा सकते हैं, ज्योतिर्लिंगों में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पूजा किस विधि से हो रही है वो महत्वपूर्ण है। दक्षिण वालों के लिए सबसे अच्छा स्थान त्र्यंबकेश्वर ही है, उत्तर भारत वालों के लिए गरुड़ चट्टी जो ऋषिकेश के पास में पड़ता है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूँ कि स्थान की प्रधानता के साथ साथ में पूजा प्रधान है, विधि प्रधान है और शास्त्र विधि के द्वारा किया हुआ कर्म प्रधान है, आप समझ रहे होंगे। तो काल सर्पदोष कुंडली से कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए क्या करें, क्योंकि काल सर्पदोष जब भी कोई कार्य होता है उसमें अड़चन होता है, आपकी जॉब लगने वाली है, आप पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे परीक्षा पास करनी है, उस समय आपको जब दिक्कत आ रही हो तो तब आप इस काल सर्पदोष की शांति के लिए, काल सर्पदोष हटाने की कोई पूजा नहीं है, उसकी शांति के लिए पूजा है। बस यही चीज आप अपने दिमाग में बैठा लें तो आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रम फैला रहता है। लोग सोचते हैं कि क्या पता हमने पूजा कर ली तो कुंडली से काल सर्पदोष ही हटके चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन जो आपके कार्यों में बाधा आ रही है ना, अड़चने जो आ रही है वो इसमें खत्म हो जाएंगी, इसलिए समय समय पर इसको करना चाहिए। और हो सके तो आप हर आने वाले जो नागपंचमी है श्रावण वाले उस दिन आप करें, या आप विशेष कार्य के लिए जब जा रहे हैं तब तो आप कर लें। तो इसकी छोटी पूजा के रूप में जो कि काफ़ी इफेक्टेड होगी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, इसीलिए हमने एक कम शुल्क में एक पूजन का कार्यक्रम रखा हुआ है जिससे कि मात्र आपको 2100 रुपये ब्राह्मण को देना है और आपका पूजन भी हो जाएगा, वैदिक ब्राह्मण करेगा, विधि विधान के साथ करेगा। और ये सारा कार्यक्रम हम अपने नेतृत्व में करेंगे, आप चाहें तो उसमें खुद भी आ सकते हैं अगर आसपास के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बुकिंग है, वो आने भी वाले हैं इसमें आसपास से, ये भी है। और बहुत सारे लोग जो बाहर से हैं वो जो है ऑनलाइन जो है पूजा कराएंगे, उनका संकल्प ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ें जो है काल सर्पदोष को लेकर के हैं। मंत्र की जैसे बात आती है, आप खुद भी और ब्राह्मण भी जो जपें तो वो सर्प गायत्री का मंत्र इसमें जपा जाता है, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नोः सर्पः प्रचोदयात्। ये सर्प गायत्री मंत्र है, इसका इसमें जप होता है। कुछ अन्य मंत्र हैं जो इसमें जपे जाते हैं, और खासकर जन्म कुंडली के अंदर कौन सा काल सर्पदोष है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के काल सर्पदोष हैं, उसके हिसाब से उसका पूजन होता है, समझ रहे हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो किस चीज़ के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, फिर हमें वो चीज़ भी उसमें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है ना। डॉक्टर ने देखा बुखार आ रहा है, साथ में खांसी भी है, बदन तप रहा है, ठंड लग के आ रहा है, गर्म लग के आ रहा है, उल्टी हो रही है, ये सारी चीज़ें उसको भी ऐड करेगा और उसकी दवाइयों को भी उसमें जोड़ कर दिया जाएगा। ग्रहों की पूजा भी इसमें सम्मिलित है। तो अन्य कई सारी चीज़ें हैं जो इस प्रकार से काल सर्पदोष शांति के लिए पूजन का विधान में काम आ सकता है।
जो खुद कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप नियमित शंकर जी का पूजा करें। एक विशेष अच्छा उपाय, सरल उपाय आपको जो हमेशा ध्यान रखना है, वो मछलियों को आप आटा खिलाएं। कहीं भी आप जाते हैं, हर दृष्टिकोण से किसी जीव को अन्न देना, किसी भी भूखे को खिलाना, या किसी भी चीज़ पर आप अनुग्रह तो खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उसके प्रति अपना एक कृतज्ञता, दया का भाव अर्पित करना, तो ये सब चीज़ें आप कर कह सकते हैं उसको। तो मछलियों को आप आटा जरूर खिलाएं, कहीं भी आप जाएं, चाहे नदी में, तालाब में, कहीं भी आप जाते हैं, जब आपको ऐसा अवसर मिलता है तो ये काम आप घर में कर सकते हैं। दूसरा, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जो मंत्र है उसको आप खुद घर में जप सकते हैं। तीसरा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप एक रुद्राक्ष जरूर धारण करें, वो अपनी राशि के अनुसार करें, ठीक है ना। और रुद्राक्ष की जहाँ तक बात है, तो आप अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपये नहीं लगेगा, आप घर बैठे जो है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ पर भी हम वितरण कर रहे हैं रुद्राक्ष, वहाँ पर भी आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं और घर बैठे भी आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क भी कर सकते हैं और ख़रीद कर विशेष रुद्राक्ष को भी आप ले सकते हैं, तो दोनों व्यवस्थाएँ आपके लिए रहेंगी। तो रुद्राक्ष आप जरूर धारण करें। तो ये काल सर्प दोष के शांति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक मैं आपको नियम बता दूं कि आप रुद्राक्ष जो भी धारण करें वो बिना पूजा पाठ के ना करें, उसका एक विशेष मंत्र होता है, मैं आने वाले समय में उसके लिए चर्चा करूँगा कि कौन कौन से रुद्राक्ष के कौन कौन से मंत्र हैं जिसे कि आप खुद पूजा कर सकते हैं। मैंने स्फटिक षडयंत्र को लेकर इस तरह की एक चर्चा आपके साथ की है, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि कैसे आप जो है घर बैठे षडयंत्र की स्थापना, पूजन जो है कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो आज का कार्यक्रम था और इसमें क्या क्या जो आपके प्रश्न थे, भाई कितना दिन लगेगा पूजा में, कितने ब्राह्मण होंगे, कहाँ होगा पूजा, कैसे होगा, आंशिक काल सर्प, ये सभी प्रश्नों को मैंने इस कार्यक्रम में आज लेने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न उठ जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, इन सब चीज़ की जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर देता हूँ। विभिन्न तीर्थों में हम जाते हैं तो वहाँ की महिमा आपको बताते हैं, विभिन्न कथाओं के माध्यम से आपको जो है अलग अलग प्रकार से शास्त्रों की चर्चा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।